जी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। हम इंशाल्लाह जो है वो आज फोर्थ चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर जो कि है न्यूटन सेकंड लॉ, उसके बारे में है, यानी काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स है। यानी आपने काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल जो है वो स्टडी कर लिया है, और अब हम जो है वो क्या काम करेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में स्टार्ट में एक दफा हो। जी, चैप्टर में स्टार्ट में ये बता दूं कि ये देखिए काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स का चैप्टर है। अब काइनेटिक्स के हैं वो एक्चुअली क्या चीज है कि आपने ये देखना है कि जो चैप्टर नंबर टू में आपने काइनेमेटिक्स स्टडी की है, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोर्सेस या उनकी जो है वो मैसेज के जो इफेक्ट्स थे बॉडीज के, उनको कंसीडर किया, उनका म्यूचुअल जो है वो रिलेशनशिप स्टडी किया, लेकिन आपने उसमें इस चीज को जो है वो इंक्लूड नहीं किया कि हाउ मच फोर्सेस वर एक्टिंग ऑन दोस पार्टिकल्स, ठीक है ना, विच वर इन मोशन, और या उनकी जो है वो मैसेज कितनी थी, फोर्सेस और मैसेज को हमने कंसीडर नहीं किया। ठीक हो गया ना जी सर? ये फाइनल का सिलेबस में है जी, ये मिड के सिलेबस में है, ठीक है। ये जो कुछ हमारा ये चल रहा है अभी तक, ये सारा कुछ जो है वो मिड के सिलेबस में है। अगला जो आर्टिकल है ना, कर्वी लीनियर मोशन, यानी इसके अंदर ये देखिए ना, अगर आप इसके पढ़े तो कर्वी 3.5 आर्टिकल जो कि सेक्शन ए है, ये एटलीस्ट मकसद है मेरी अपनी तरफ से ये है, यानी कि इससे भी ज्यादा शामिल होता है, सेक्शन बी में वैसे तो शामिल होता है मिड में, लेकिन मैं सेक्शन ए तक जो है वो आपको सिर्फ जो है कोशिश है कि करवा दूं मिड के लिए, और सेक्शन बी जो है वर्क एंड एनर्जी जो है इसको हम इंशाल्लाह उसमें शामिल करेंगे एंटर में। ठीक हो गया ना? तो ये जो सेक्शन बी और सी है, ये दो टॉपिक हम एंड में शामिल कर लेंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 होगा साथ इनके। तो खैर, ये जो है वो मिड में शामिल है, इस वजह से ये ज़ेहन में रख लें, ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं रेक्टिलिनियर और कर्वी लीनियर, ये दोनों मिड टर्म में शामिल होंगे। सर डेफिनेशन रिपीट कर दें प्लीज। काइनेमेटिक्स सर 19 अप्रैल तक जितना पढ़ा तो था वो मिड का हिस्सा होना था। सर 19 अप्रैल तक जितना पढ़ना था तो वो मिड का हिस्सा होना था, सही है जी। मिड के एग्जाम से पहले पहले जितना पढ़े वो सारा मिड का हिस्सा होता है, ठीक है। मिड के एग्जाम से पहले जितना जितना पढ़ लें, सही है ना, वो सारा मिड का, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये चलता रहता है, एक दो आर्टिकल का फर्क लग ही जाता है, सही है, कम भी हो सकते हैं ना। मुझे एक बात बताओ, आप कहते हैं जितना पढ़ा है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो मिड का तो सिलेबस, आखिर एक जब सिलेबस बनाया गया तो उसमें चीज डिफाइन है ना,
तो हो सकता है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा भी हो जाता है, लेकिन अब जब आपके पास पूरा टाइम हो तो फिर जो है वो हमने उसको करना होता है ना, तो ये बात समझे। तो इस वजह से ये मत समझे कि कोई डेट से आप कह दें कि 19 अप्रैल जो है वो यहाँ तक जो है वो लाजमी विट का सिलेबस था, ऐसी कोई बात। चलें जी, सर एड 309 वेटिंग इन लॉबी। ये अब्दुल्ला हबीब दो दफा क्यों आ रहा है? यार तवज्जो, अगर आप सब्जेक्ट की तरफ अगर आप देंगे ना यार इंटरेस्टिंग की तरफ, मैं तो ये बात आपको जो है ना वो बता बता के खप गया हूँ यार, मैं ये समझ नहीं पा रहा आप लोगों की जो है ना वो क्या वर्किंग है भाई। आप लोग सिर्फ ये सिलेबस को देखते रहते हैं कि सिलेबस कितना एग्जाम में आना है, थोड़ा हो जाए थोड़ा हो जाए। वो भाई इस सब्जेक्ट की तरफ अगर आप थोड़ा, जब आपको एक चीज़ समझ आ रही है आप उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? तो मुझे ये चीज़ों से बहुत इरिटेट होता है कि सर ये बस कर दें बस कर दें। वो मकसद है कि आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का नॉलेज कब होगा? जब उसका एग्ज़ाम भी होगा। आपको एक चीज़ समझाई जा रही है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो उसकी तरफ जेहन में डाल लेना तो आप लोगों को मैं कहता हूँ पूरी बुक भी जो है मुश्किल ना लगे। आप लोग इस परेशानी में रहते हो कि सिलेबस मिड का कितना है, सिलेबस मिड का कितना है, कि हम अपनी जो है वो उसका, जब आपको एक चीज़ जो है वो यहाँ पे लगा दी गई है सर जी सिलेबस ज़्यादा हो जाना, मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं, फिर मैं यही जो है वो बात बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं होना। आपसे पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो सिलेबस जो है वो किया है, और मैंने जो आपको कोर्स आउटलाइन वही बता रहा हूँ। अच्छा आ जाए यार, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो आप इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, ये सारी थ्योरी आप पढ़ना, इसको मेरा बताना मेरे बस में नहीं है, सही है ना। बहुत ज्यादा थ्योरी है, इसको आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना। देखें इक्वेशन नंबर 3 आप जानते हैं, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए, इस इक्वेशन को ही जो है वो जस्ट देख लें। अब समेशन ऑफ एफ असल में क्या कह रहा है कि यानी रिजल्टेंट, जैसे होता है ना रिजल्टेंट होता है, और एम क्या है स्केलर है, देखें अटैलिक में लिखा हुआ, और ए क्या है एक्स वेक्टर है, यानी समेशन ऑफ एफ क्या है, यानी जो बोल्ड में लिखे होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, कि किसी एक पार्टिकल पे क्या होगा मल्टीपल फोर्सेज एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ एन नंबर ऑफ फोर्सेज लग सकती हैं, उन सब के अंडर उसका एक्सेलेशन यूनिक होगा, उन सब के अंडर उसका एक्सेलेशन क्या होगा वो यूनिक होगा, एक होगा, तो वो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी एम ए, यानी इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा, ये अनबैलेंस फोर्स है। याद रहे कि जो समेशन ऑफ एफ है दिस इज द रिजल्टेंट और अनबैलेंस जो है वो फोर्स जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। आगे आगे जी, टू टाइप्स ऑफ डायनामिक्स प्रॉब्लम, सही है ना, वो क्या है कि ये मैं पढ़ देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। लिखता है कि इन फर्स्ट टाइप द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ईदर स्पेसिफाइड और कैन बी डिटरमाइंड डायरेक्टली फ्रॉम द काइनेमेटिक इक्वेशंस, सही है, यानी या तो वो डायरेक्ट गिवन होगा एक्सेलेरेशन, या फिर हम जो है वो काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ चुके हैं उससे फाइंड कर सकते हैं। वी देन डिटरमाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स व्हिच एक्ट ऑन द पार्टिकल बाय डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3. दिस प्रॉब्लम इज जनरली क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्या कहता है कि द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर स्पेसिफाइड एंड वी मस्ट डिटरमाइन द रिजल्टिंग मोशन, ठीक हो गया ना। यानी एक में वो कहता है कि एक्सेलेरेशन डायरेक्ट गिवन है, और एक में ये होता है कि वो फोर्सेज गिवन है और आपने एक्सेलेरेशन निकालना है। तो एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट एंड इजीली फाउंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 व्हेन द फोर्सेज आर फंक्शन ऑफ टाइम, वो सारी वो आगे बातें बता रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ दिस सेकेंड टाइप आर ऑफन मोर फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, खतरनाक होते हैं। अच्छा जी, एज इन द इंटीग्रेशन मे बी डिफिकल्ट टू कैरी आउट ना, यानी वो कह रहा है कि अगर वेरिएबल टाइम हो तो उसमें डिफिकल्ट होता है पर्टिकुलरली। चले जी, आगे है जी कॉन्स्टेंट एंड अनकॉन्स्टेंट मोशन, ये भी आप जानते हैं। कॉन्स्टेंट वही होते हैं जहाँ पर हमारे पास केबल्स वगैरह लगी होती हैं, उनको कॉन्स्टेंट कह देते हैं, वहाँ पे हमारे पास काइनेमेटिक्स के रिलेशनशिप्स और आ जाते हैं। इसको भाई मेरे आप लोगों ने अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, मैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चूँकि इतना टाइम नहीं है, हम चलेंगे प्रॉब्लम्स की तरफ जो मैंने किए हैं। पहला जो है वो टाइप क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर के लिए क्या है, उसी तरह आपने पास 3 इक्वेशन बन जाएंगे, यानी अगर आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो समेशन ऑफ एफ बाई समेशन ऑफ एफ जी 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल उधर मूव ही नहीं कर रहा और सारे का सारा एक्स में मूव कर रहा है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी।
अगर पार्टिकल जो है वो स्पेस में मूव कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, फोर्सेस के जिस तरह तीन कंपोनेंट बन जाएंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स ऑल फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ वाई, इसी तरह एक्सेलेरेशन के भी तीन कंपोनेंट बन जाएंगे, यहाँ पे हम जो है वो स्क्वायर करके जो है वो क्या है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसके बाद ये मैग्नीट्यूड एफ के निकाल लेंगे, सही है ना। चले सैंपल प्रॉब्लम 3/1 आपने करना है अपने नॉलेज के लिए, सारे आप प्रॉब्लम करोगे, लेकिन मैं स्ट्रेट चलूंगा भला कहाँ पे प्रॉब्लम इस पे फर्स्ट पे 3/1 से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम एटलीस्ट जो है वो कर लें। पहला प्रॉब्लम मैं जो है वो पढ़ रहा हूँ, देखें प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, आप इन पे तवज्जो दें, आपने सारा वर्क किया हुआ है, सिर्फ न्यूटन सेकेंड लॉ बस आपने लगाते जाना है जी। ये प्रॉब्लम है जी, मैं इसको द 50 किलोग्राम क्रेट इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द फ्लोर, द 50 किलोग्राम क्रेट इज, ये देखें इसकी मास और प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द फ्लोर विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, द कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4, ठीक है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रेट टू कम टू रेस्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स ट्रेवल्ड। जी ये क्या कहता है सर, इस आर्टिकल के कितने प्रॉब्लम, सारे सारे के सारे ही करने हैं जी, ये सारे ही करने हैं जो आपसे होते जाएंगे, जो बहुत कोई मुश्किल होगा सही है ना वो उसको मैं जो है ना वो एक्सक्लूड कर दूंगा, जो कंप्यूटर प्रॉब्लम है सारे ही हो सकते हैं, मैंने काफी यार सारे तो मैंने आपको करके दे देता हूँ भाई, सिर्फ वो प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ता हूँ जो बहुत आसान होते हैं जी, सही है। अच्छा जी आए जी, बात समझे इस प्रॉब्लम की तरफ, अब आप बाकी परेशानियों को छोड़ें, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ आए, टाइम थोड़ा और काम हमने बहुत सारा करना है। देखिए जी अब इसमें एक बात का ख्याल रहे, जब भी यानी हर प्रॉब्लम जब आपके पास आएगा ना तो आपने क्या काम करना है, आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा आपने ये देखना है, अब देखें कि ये कॉन्स्टेंट बॉडी तो है नहीं, ये बॉडी क्या है अनकॉन्स्टेंट है। दूसरी बात ये है कि आपने देखना है कि क्या उस प्रॉब्लम के अंदर कोई काइनेमैटिक्स इन्वॉल्व है या नहीं, यानी आपका सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि यू विल बी सर्चिंग फॉर द पहले से किया है, क्या किया है आज सर, आज हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से पहले क्या किया है आज, आज कुछ भी नहीं किया, न्यूटन सेकंड लॉ भी कर लें, क्विज में आर्टिकल तो अभी क्विज जो है वो बना ही नहीं, जब ये बनता है तो आपको मैं बता दूंगा ठीक है, तो क्विज में आर्टिकल, हाँ ये सारे आर्टिकल शामिल होंगे क्विज में, देखो क्विज में तो छोटा सा क्वेश्चन ही होना, जो चीज़ आपको एक दफा आज का लेक्चर हो गया है समझे वो क्विज में भी आएगा, सही है, जो लेक्चर होता जाता है जो चीज़ उसके बाद होती है क्विज उसमें आता रहता है, इस वजह से ये परेशान ना। चले जी तो कोफिशिएंट ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रेट टू कम टू रेस्ट, बात यह है कि उसने इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर से उसको जो है वो प्रोजेक्ट किया है, फेंका है और उसके बाद ये कैनेटिक फ्रिक्शन है, और ये आपको मैंने जो पहला स्टेप क्या बताया कि आपने क्या काम करना है, यार फजूल जो है वो चैट ना करें, मैं इधर चैट जो है ना वो अभी डिसअलाउ कर रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन करूंगा फिर आप करना। चलें जी तो आप इस तरफ तवज्जो दें, आप देखते हैं कि 8 मीटर पर सेकंड से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अब मैंने क्या बताया कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या है, आपने काइनेमैटिक्स जो है वो देखनी है, क्या आप सिर्फ आर्टिकल के रेलेवेंट जो है ना वो मेरी बात सुने, चैट में क्वेश्चन करें, इस वजह से अगर आप कोई और क्वेश्चन करते हैं क्विज के बारे में तो मैंने चैट कर अप्लाई नहीं करना और आपको जो है ना वो रिमूव कर देना है यहाँ से, मैंने इसी वजह से चैट जो है वो डिसअलाउ कर दी है, अब मैं आपके जो है वो ऑडियो क्वेश्चन पहले नहीं ले सकता, अब चैट भी मैं डिसअलाउ कर दूंगा तो आप लोगों को परेशानी होगी ना, इस वजह से मैं अभी जो है वो सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ चैट, लेकिन आपने सिर्फ से जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे पूछना है, आपने कोई और क्वेश्चन नहीं करना, ये तवज्जो रहे, वरना मैंने रिमूव कर देना है जी, सिर्फ और जब कोई क्वेश्चन हो फिर ही आपने करना है, फजूल में नहीं चैट में, चूंकि मैं चैट का क्वेश्चन जो है वो मुझे पढ़ने में टाइम लग जाता है। अब यहाँ से उसको जो है वो प्रोजेक्ट किया एक्स डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव ली है, मैंने जो पहला फार्मूला क्या बताया कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम में देखना कि काइनेमैटिक्स है या नहीं, काइनेमैटिक्स कहाँ होगी, काइनेमैटिक्स अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, जैसे ये एक्स दिया हुआ, उसने कहा है कि आपने उसका टाइम रिक्वायर्ड फाइंड करना है
टाइम रिक्वायर्ड हो, यानी वेलोसिटी चेंज हो, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी हो, या डिस्प्लेसमेंट हो, या कोई लेंथ वगैरह दरमियान में आ जाए, तो इसका मतलब है काइनामेटिक्स लाजमी इन्वॉल्व होगी। काइनामेटिक्स क्या होगी? लाजमी इन्वॉल्व होगी। अगर जो है वो कोई जो है वो डिस्टेंस या वेलोसिटी चेंज या टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है काइनामेटिक्स निल, फिर सिर्फ काइनेटिक्स होगी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, ये देखिए मैंने इसको जो है वो किया 3/1, सादा सा प्रॉब्लम है 50 किलोग्राम। अब सबसे पहली बात ये है कि आपने ये देखना क्या है कि आप इस पे जो जितनी भी फोर्सेज होंगी ना, वो आपने सारी इस पर जो है वो बना लेनी है, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि जो n है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो अप होगा, यानी बॉडी का साफ जाहिर है, इस सरफेस से हम सेपरेट करेंगे ना, आपने स्टैटिक्स माशाल्लाह पढ़ी हुई है पहले। और ये जो w है वो उसका वेट डाउनवर्ड होगा, और f के जो कि जो कनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो इस तरफ होगी। अब हमें स्टैटिक एनालिसिस की जरूरत ही नहीं, जो कि उसने डायरेक्ट वेलोसिटी दे दी है, तो ये एफ के फोर्स इस तरह हो जाएगी। इसके अलावा तो और कोई फोर्स नहीं है ना। आप जल्दी बताएं चैट में, अब टाइप करें कि क्या ये एफ बी डी क्लियर है या नहीं आप लोगों को। ये जो एफ बी डी मैंने बनाई है, यानी क्या मैंने काम किया है कि एन ऊपर है, वे डब्ल्यू नीचे है। हाँ जी सर, ये क्या अपना पता नहीं इसने टाइप किया, ये कौन है, रोल नंबर 388। आपके यार क्वेश्चन को जो है ना वो रीटाइप करो, समझ नहीं आई, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कैसे उल्टी होगी। अच्छा एफ के फ्रिक्शन फोर्स कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बता दें सर। देखो बात सुनो, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है ना एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये हमेशा मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट ही होती है ना। अगर बॉडी जो है वो इस तरह मूव कर रहा है राइट की तरफ, तो वो लेफ्ट की तरफ होगी। अंडरस्टूड बात है यार, स्टैटिक्स पढ़ के आए हैं माशाल्लाह आप जी। तो डायग्राम क्लियर है, यानी एफ के हमेशा क्या है, बॉडी इस तरह मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट होनी है, सीधी बात है जी। एफ बी डी क्लियर है तो बताएं, नॉर्मल रिएक्शन एन अप आना है, जो वेट है वो डाउन आ गया, और एक्स जो है वो रेक्टिलिनियर का प्रॉब्लम है वो इस तरफ आ गया। अब आ जाएं जी काइनामेटिक्स पे। जब काइनामेटिक्स पे आते हैं तो हम डायरेक्टली जो है ना वो ये फार्मूला लगा सकते हैं कि जो कि इनिशियल स्पीड भी दी हुई है, फाइनल भी दी हुई, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, तो फाइनल स्पीड उसने जाके रुकना है 0 है, इनिशियल 8 है, तो 2as - x। तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स आ गया कि -64/2s, यानी एक्सेलेरेशन ए एक्स इतना आ गया -64/2s। अब काइनेटिक्स की तरफ आ जाए, काइनेटिक्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है और वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि एक्स राइट की तरफ पॉजिटिव है और एफ के क्या है वो नेगेटिव की तरफ है, तो रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ एक ही है जो हॉरिजेंटल एक्ट कर रही है, और वो है -FK = क्या हो जाएगा, एम में एक्स होता है, एम कितना है वो 50 किलोग्राम है, और एक्सेलेरेशन जो है वो कितना है ए एक्स है। अब -FK क्या होता है, -μKn के बराबर होता है, तो वो इसके बराबर हो गया 50, और ए एक्स की वैल्यू पुट कर दी -64/2s। ओके अच्छा, अब ये देखें कि जो माइनस जो है वो एफ के है, ठीक है ना, जो माइनस जो एन है, एन किसके बराबर होता है, साफ जाहिर है इसमें हॉरिजेंटल में वो वेट के बराबर होगा ना डायरेक्ट, यानी एन आप देखते हैं कि वो किसके बराबर है, वो वेट के बराबर होगा, तो म्यू के वेट जो है वो इधर पुट कर दिया है, ठीक है 50, 19.81। अब मल्टीप्लाई किया, म्यू के दिया हुआ है 0.4 और 50 एंड 9.81, और ये 50 करके ये -1600/s आ गया। यहाँ से -192.2 ये आ गया, s यहाँ पे आ गया जी 8.15 meter, s कितना आ गया 1.5 meter, और एक्सेलेरेशन आपने निकालना है तो s वाले ऊपर फार्मूला में जो है वो पुट करो, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा -3.924। अब नेगेटिव जो आ गया है, इसका मतलब क्या है कि वो डिसेलेरेशन हो रहा है ना इस वजह से, या फिर जो है वो आपने टाइम निकालना है, तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, v = v0 + at, तो 0 ये इनिशियल वेलोसिटी 8 है और एक्सेलेरेशन ये है, टाइम 2.04 आ गया। जल्दी करो यार, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो।
अब जी इसमें क्वेश्चन करने के हैं ये सारा देख लो और फिर मुझे जो है बता दो। जस्ट एक मिनट मैं क्वेश्चन सुन लो स्टूडेंट का। हाँ जी स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है वो सुना है आपने। स्टूडेंट ये कह रहा है, मैं बताता हूँ, ये एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन जो है वो सेंड किया है कि सर जो काइनेमेटिक्स और कनेटिक्स का फर्क बताएं। याद देखे मैंने फर्क आपको ये बताया कि आपने हर प्रॉब्लम में ये देखना है कि कहीं भी अगर सर सही समझ नहीं लगी एक बार रिपीट कर दे, मैं करता हूँ। जहां पे भी देखे ना ये डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाएगी ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल टाइम आ जाएगा या वेलोसिटी चेंज आएगी, तो वहां पे आपने काइनेमेटिक्स रिलेशनशिप अगर बनते होंगे तो आपने बना लेने हैं, सही है ना, आपने ये चेक करना है। और अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, वो फोर्सेस दे रहा है डायरेक्टली, कोई डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी चेंज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि उसके ऊपर फोर्सेस ये लग रही हैं और एक्सेलेरेशन ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो कोई टाइम चेंज नहीं है ना, चूंकि जब भी टाइम चेंज होती है तो फिर वेलोसिटी जो है वो आ जाती है चेंज और फिर एक्सेलेरेशन उसमें आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, सही है। तो ये फर्क है, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट का मैंने क्वेश्चन जो है बताया है कि आपने हर प्रॉब्लम, मैं आपको अब मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम आगे आते जाएंगे ना मैं आपको बताता जाऊंगा। अब ये जो प्रॉब्लम था इसके अंदर काइनेमेटिक्स भी थी और कैनेटिक्स भी थी। अब स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन ये किया कि सर हम कैनेटिक्स से सॉल्व करते हैं काइनेमेटिक्स से, देखिए बात सुने, वो प्रॉब्लम क्या होता है वो दोनों साइमल्टेनियसली यूज करनी होती है, क्योंकि अगर सिर्फ कैनेटिक्स करेंगे तो फिर जो है वो क्या है वो यूज नहीं होगा। फार्मूलाज कौन से यूज करने हैं, फार्मूला जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स के सारे यूज कर सकते हैं जिस तरह का प्रॉब्लम होगा। रह गया इस चैप्टर में न्यूटन सेकंड लॉ का एक ही फार्मूला है, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए, सिर्फ यही फार्मूला यूज करना है। सर नॉर्मल और वेट की डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, तो फिर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए जब वेट और नॉर्मल को आपस में रिप्लेस करेंगे, और नेगेटिव तो आना है ना, तो नेगेटिव कैसे आएगा, साफ जाहिर है अगर आप अप डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो कितना हो जाएगा एन माइनस डब्ल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, तो एन डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा ना, यानी असल में क्या है नेट जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा ना, तो बस वो मैग्नीट्यूड ही पुट किया। चेक करें दोबारा तेजी से देखें, प्रॉब्लम आसान सा था, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। देखिए एन ऊपर और जो है वो डब्ल्यू नीचे, तो एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, समेशन ऑफ एफ बाई क्या जीरो, समेशन ऑफ एफ बाई क्या हो जाएगा इसमें जीरो, तो एन डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको जो है वो नहीं किया, ठीक हो गया जी, तवज्जो है। अब देख ले म्यू के एन जो है वो किया है, एन डब्ल्यू के बराबर था 50, ये आ गया। अब जो कि असल में ना हर चीज स्टैटिक्स में आपने ये की हुई है कि नॉर्मल वेट हॉरिजेंटल पे डब्ल्यू के बराबर होता है, कोई भी चीज हॉरिजेंटल पड़ी है तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू इट्स वेट, तो वेट इसके बराबर है, म्यू के दिया हुआ है, और इधर जो है वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट की है, यहाँ से जो है वो एस जो है वो ये डायरेक्ट निकला है 8.15 मीटर, तो एस इज इक्वल टू एक्स कितना आ गया 8.15 मीटर, एक्सेलेरेशन के फार्मूला में पुट किया तो डिस्प्लेसमेंट तो ये आ गया 3.924 डिसेलेरेशन। अब टाइम निकालना है, तो ये देखे मैंने आप डायग्राम में आप देखेंगे कि ये आपको थोड़ा सा शेड भी नजर आ रहा होगा, ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करके फिर मैंने पेंट पे जाके काफी एडिटिंग की है ताकि जो रफ वर्क है वो इसमें से रिमूव किया जा सके और आपको जो है ना वो थोड़े डिफिकल्टी ना हो कि मैंने जो इधर चीजें काटी हुई है ना वो, चूंकि देखो प्रॉब्लम जब मैं खुद जो है वो करता हूँ तो उसमें जो है वो साफ जाहिर है उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं, तो मैंने आपको जो है वो कन्फ्यूजन से बचाने के लिए वो सारी मिस्टेक वाले पोर्शन यहाँ से रिमूव किए हैं। ये कलरिंग देखें आप, कलरिंग के जो है वो डिफरेंस से पता चल रहा होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं मैंने खुद अटेम्प्ट करके आपको ताज़ा तरीन जो है वो उस पर पेंट पे ये देखें, ये कलर चेंज देखें, तो ये एडिट करके जो है ना वो दिए हैं ताकि जो है वो इसके अंदर जो रफ वर्क के थे या फजूल मतलब पोर्शन मिस्टेक्स थी वो सारी रिमूव करनी है, तो ये इनका जो है वो मतलब था, ठीक है ना, जो कि सॉल्व करते हुए कुछ ना कुछ जो है वो मिस्टेक हो ही जाती है। चले नहीं, तो स्टूडेंट ने जैसे ये मुझे ऑडियो में क्वेश्चन भेजा है ना, आप इसी तरह ऑडियो करके मुझे क्वेश्चन जो है वो कर दें, कोई ऐसी बात नहीं, मैं इधर पढ़ दूंगा, उसमें बड़ा ये फायदा है कि स्टूडेंट का हमारे पास नंबर भी होता है, हमें पता भी होता है, कोई फेक स्टूडेंट जो है वो उधर आ नहीं सकता, ठीक है ना। जूम पे चुके जो है वो जब आपको स्पीकर अलाउ करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो क्या है वहाँ पे जो है वो उसको मतलब करना हरकतें करना शुरू कर देते हैं।
आ जाएं जी अगले प्रॉब्लम पे। जी सर, आपने नंबर ब्लॉक किया हुआ है मेरा यार, ये वाला तो फिर हम बाद में करेंगे, अब आपका नंबर ही मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। आ जाएं जी ये चैप्टर अपना आर्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे। वो कहता है ये प्रॉब्लम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी तवज्जो चाहिए इस पे, सही है ना, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एनालिसिस का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसका है? एनालिसिस का, यानी इसमें अंदर जो है वो आपने थोड़ा एनालिसिस करना है, स्टैटिक भी और फिर जो है वो डायनामिक्स एनालिसिस करना है कि प्रॉब्लम की क्या सिचुएशन है। वो कहता है वही प्रॉब्लम है इसी तरह का, द 50 किलोग्राम क्रेट इज स्टेशनरी व्हेन द फोर्स कैपिटल पी इज अप्लाई। वो कहता है कि ये पहले स्टेशनरी था जब फोर्स पी उस पर लगाई गई है। डिटरमन द रिजल्टिंग एक्सेलेरेशन ऑफ द क्रेट इफ पी इज इक्वल टू जीरो, इफ पी इज इक्वल टू 150 न्यूटन एंड पी इज इक्वल टू 300 न्यूटन। तो आपने हर एक फोर्स के लिए उसका एनालिसिस करना है। प्रॉब्लम आसान है लेकिन एनालिसिस का है, तो इस वजह से आपने सबसे पहले इसका ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम बना हुआ है क्या वो यानी देखो, अगर फोर्स पी जीरो है फॉर एग्जांपल, तो क्या आपने वेट के अंडर ये नीचे मूव करता है या नहीं करता। अगर देखो ना 15 डिग्री इंक्लिनेशन है, अगर हम इससे थोड़ा इंक्लिनेशन कर दें 10 डिग्री या हॉरिजेंटल कर दें, फिर तो ये मूव नहीं करेगा। सर इस प्रॉब्लम में बॉक्स स्टेशनरी है तो ये डायनामिक्स में क्यों है? इस प्रॉब्लम में बॉक्स स्टेशनरी है तो ये डायनामिक्स में क्यों है? नहीं नहीं ओहो, उसने कहा है देखिए ना, ये इधर पड़ा हुआ है स्टेशनरी व्हेन द फोर्स पी इज अप्लाइड। वो कहता है कि जब इस पर फोर्स पी लगाई जाती है उस टाइम स्टेशनरी है, उस टाइम, सही है ना। तो डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द ये कहा है। सर ये स्टैटिक डायनामिक्स मिक्स हो रही है। नहीं हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, इसमें स्टैटिक्स और डायनामिक्स मिक्स हो रही है। यानी असल में एनालिसिस का है ना, इस प्रॉब्लम में जो फ्रिक्शन के होते हैं ना प्रॉब्लम, उनके अंदर ये होता है कि आपने देखना है कि फ्रिक्शन अगर इंपेंडिंग से ज्यादा बनती है तो फिर ही मूव करेगा ना। अगर तो बॉडी इंपेंडिंग को पहुंच ही नहीं रहा तो फिर उस टाइम तो वो मूव नहीं कर सकता, तो ये रीजन है। इस वजह से बात पता क्या है कि इसमें प्रॉब्लम का हमें वो करना पड़ता है एनालिसिस। आए जी मीयू एस भी दिया हुआ है, मीयू के भी दिया हुआ है, ठीक हो गया ना। अब आपने करना कैसे है, अब एनालिसिस देखना जी। प्रॉब्लम में आ जाए, ये मैंने डायग्राम बनाई है, आप देखें कि ये 50 किलोग्राम का ये क्रेट बना हुआ है और अब ये वेट नीचे है। एन याद रखे कि एन हमेशा कहाँ पे होता है, यानी उस डायरेक्शन पे, यानी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ये एन ये है। अच्छा अब ये देखें कि एफ, आपने क्या काम करना है जब एनालिसिस का प्रॉब्लम होगा, तो अभी आपको चूंकि फ्रिक्शन का पता नहीं है, आपने इसकी फ्रिक्शन की डायरेक्शन अज्यूम कर लेनी है। क्या करना है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन कर लेनी है अज्यूम, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो है वो वेट के अंडर जो है वो मकसद है नीचे मूव कर रहा है ऊपर मूव कर रहा है, हमें अभी कंफर्म नहीं पता पी के, पी और डब्ल्यू के अंडर वो नीचे मूव कर रहा है, क्योंकि अगर वेट का कंपोनेंट ज्यादा होगा तो वो पी पे ओवर कम आ जाएगा और डाउन मूव कर जाएगा। अगर पी ज्यादा आ जाएगी तो वेट का वो कंपोनेंट जो इस प्लेन के अलांग है उस पे ओवर कम आएगा और फिर जो है वो अप मूव करना शुरू कर देगा। तो हमें पता नहीं, इस वजह से आपने एज्यूम डायरेक्शन लेनी एफ की। तो हमने क्या कहा कि फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ एफ है और ये डायरेक्शन है एज्यूम, डायरेक्शन क्या है इसकी एज्यूम्ड है। आपको पता है कि अगर जो है वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्स हमने क्या अप पॉजिटिव लिया और हमने एक्सिस का नाम क्या रखा है, एक्स डैश है अलॉन्ग द इंक्लाइन और वाई डैश क्या है इस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स डैश क्या है वो इस प्लेन के अलॉन्ग है और वाई डैश क्या है परपेंडिकुलर है, और एफ क्या है मैंने अज्यूम्ड लिखा है कि इस तरफ पॉजिटिव एफ डायरेक्शन में। अब एनालिसिस का प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्या स्टैटिक एनालिसिस हमने करना है, क्या करना है कि लेट अस सी इफ द ब्लॉक इंपेंड्स एट 15 डिग्री इंक्लाइंड आर नॉट अंडर वेट। हमने ये देखना है कि अपने वेट के अंडर 15 डिग्री इंक्लिनेशन पे जो है वो इंपेंड करता है या नहीं करता, हमने ये भी तो देखना है ना सबसे पहले। अब वो कैसे करेंगे ये देखें जी, हम क्या काम करेंगे कि समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, ये देखो क्या स्टैटिक एनालिसिस, क्योंकि स्टैटिक्स में जीरो होती हैं फोर्सेस। कैसे की, हमने कहा कि पी फोर्स जो है वो जिस तरफ देखे ना एक्स की डायरेक्शन में, एक्स डैश की डायरेक्शन में हमने सम किया फोर्सेस का, अब पी भी एक्स डैश की डायरेक्शन में और एफ भी, तो क्या हो गया ये आ गया पी प्लस एफ, और वेट अगर देखें
कि वेट आप चेक करें कि ये जो वेट है अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो कितना बनेगा। इसके दो कंपोनेंट्स मैं इधर ही बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये देखें ये जो है वो वेट है, सही है ना। अब वेट जो है वो इसको जब हमने रिजॉल्व किया है तो इसके दो कंपोनेंट्स बन गए ना, जो आपका ये वाला कंपोनेंट है ये बन गया नॉर्मल की जो है वो डायरेक्शन में, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये देखें ये वाला कंपोनेंट ये कितना बनेगा बताएं, ये बन जाएगा W और साइन 15 बनेगा, यानी जो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये भी 15 डिग्री बनेगा ना, ये एंगल भी कितना बनेगा 15 डिग्री, जो कि आपको पता है मेरी बात सुने, इधर देखें ये पढ़े, अगर जो है वो इस तरह यानी परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर है, आप मुझे बताएं, याद रख लें, जो ये अगर ये एंगल जो है वो अल्फा है तो ये एंगल भी हमेशा अल्फा होगा, सही है ना। ये देखें कि ये आपस में जो है अब ये आपस में ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक हो गया ना, और ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक हो गया ना। ये देखें यानी आप ये देखते हैं कि ये हमारा है N है और ये क्या है W, ठीक है। तो अब आपका जो ये कंपोनेंट बनता था, ये बनता था W और ये साइन जो है वो थीटा लिखा हुआ है ना, यानी 15, तो ये बनता था। तो इसी तरह आपने ये देखना है कि जब जो है वो एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन दे आर परपेंडिकुलर, तो आप देखें कि इस पर जो है वो ये वाला सरफेस परपेंडिकुलर है और इस वर्टिकल पे ये परपेंडिकुलर है, तो इन दो के दरमियान एंगल भी सेम होगा जो उनके परपेंडिकुलर इनके दरमियान एंगल है, सही हो गया। तो ये जो है वो चीज इसको जो है मैंने बता दिया आपको जी। अब आप आए तो ये देखें कितना हो गया माइनस जो है वो W साइन 15, क्योंकि जो वेट का कंपोनेंट है वो किस तरफ है, वो इस तरफ मूव करेगा ना, देखें कंपोनेंट ड्रॉ किया तो वो इस तरफ है, नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो वो आ गया ये, बाकी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से समेशन ऑफ एफ वाई निकालना तो एन माइनस डब्ल्यू कॉस 15, जो कि हमें पता है कि एन ऊपर है और डब्ल्यू कॉस 15 नीचे है, तो एन आ गया डब्ल्यू कॉस 15 जी। सर एंगल की समझ नहीं आई यार, एंगल की क्या समझ नहीं आई, एंगल बताया तो है कि एंगल जो है वो नॉर्मल और वेट के दरमियान उतना होगा जितना इंक्लिनेशन यानी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है, बस ये याद रख लें उसूल, यानी नॉर्मल रिएक्शन और वेट के दरमियान एंगल हमेशा बराबर होगा जितना जो है वो इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजेंटल के साथ बन रहा है, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजेंटल के साथ जितना एंगल बन रहा है उतना एंगल ही किसके साथ बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन और वेट के दरमियान बनेगा, सही हो गया या नहीं सही हुआ। इस प्रॉब्लम में आए ना, ये देखें तो ये आ गया, अब हमने एन आ गया, अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम कहते हैं कि अगर पी जीरो है, देखे ना इस प्रॉब्लम में सर मतलब इंक्लूडेड एंगल ही हम ले नॉर्मल के साथ लेंगे, हाँ हाँ इंक्लूडेड लेना जी। अब P प्लस F इज इक्वल टू, यहाँ से अब हमने कि P अगर जीरो है तो F किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा W साइन 15, तो ये देखें कि ये W साइन 15 क्या 50, तो F आ गया 126.95, F कितना आ गया है मीटिंग एंड हो रही है, पाँच मिनट पड़े हैं देखते जाएं, तो F कितना आ गया 126.95, तो आप देखिए मुझे एक बात बताएं कि F पॉजिटिव आ गया ना, F पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है डायरेक्शन तो इसकी जो है वो मतलब ऊपर है, ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है FS निकालना, FS का फार्मूला किसके बराबर होता है, वो mu s n के बराबर होता है, mu s कितना दिया हुआ है वो 0.2 दिया हुआ है, mu s कितना दिया हुआ 0.2, तो आप 0.2 को जो है वो n w cos 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो FS कितना आएगा, वो 94.75 आया ना। तो अब आप देखें, आप देखते हैं कि इसका मतलब है कि जो एक्चुअल फ्रिक्शन आई है वो एफ एस से ज्यादा आई है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम आपको पता है जो परमिसिबल फ्रिक्शन फोर्स होती है वो तो एफ एस सी होती है, इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन जो है ना वो फोर्स लगा ही नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि हमारी डायरेक्शन तो ठीक है लेकिन इसका मतलब ये है डायरेक्शन यानी फोर्स फ्रिक्शन की ऊपर है लेकिन ये फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड जो निकाल लिया ना 126 ये गलत है, इसका मतलब है कि हम ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स हो जाती है अप, लेकिन वो होती कितनी है वो हो जाएगी, देखें ये लिखा है कि एज एफ इज इक्वल टू 126.95 इज ग्रेटर देन एफ एस, तो इसका मतलब है सो ब्लॉक मूव्स डाउन
डाउन द प्लेन, यानी ब्लॉक या नीचे की तरफ मूव करेगा, एंड द एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स विल बी एफ के, फ्रिक्शन फोर्स अप द प्लेन होगी। और फ्रिक्शन फोर्स एफ के किसके बराबर होती है, वो म्यू के एन के बराबर होती है। म्यू के 0.15 दिया हुआ है, एंड एन का हमें पता है, तो ये 71.68 आती है, ठीक है ना। कितनी आती है, 71.68। अब ये एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स है, जब ब्लॉक नीचे की तरफ देखे ना स्लाइड कर रहा होगा, तो उस पर जो एक्चुअल फोर्स कितनी लग रही है, 71.68। अब आगे कनेटिक्स, आपने क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, बिल्कुल यही जो आपने लिखी थी ना ये वाली इक्वेशन वन, इसी को यूज करना है। बस इधर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश किसके बराबर अब आ जाएगा, वो आ जाएगा एम ए एक्स के बराबर हो जाएगा, पी प्लस एफ के। देखिए अब क्या लिखे, एफ के डायरेक्ट लिख दिया, माइनस डब्ल्यू साइन 15, पी जीरो है, तो एफ के हमें पता है वो कितनी है, 71.68 है। यहाँ से इसके अंदर पुट किया, एक्सेलेरेशन आ गया -1.105। अब माइनस क्या बता रहा है कि वो चूंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, हमने चूंकि ऊपर जो है वो मूव की डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है, तो ax आ गया नेगेटिव। इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन ब्लॉक इज डिक्रीजिंग या अलॉन्ग ए डैश एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है। चलें जी, ये बताएं कि ये वाला फर्स्ट पार्ट आपको पी जीरो वाला समझ आया है या नहीं। दो मिनट रहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन कर लें और फिर हम मीटिंग को एंड करके मैं रीस्टार्ट करता हूं। अब जो ये मैंने पार्ट किया है ना, ये शाबाश, मैं अगर आपको कहें तो मैं आपको साथ ही ये जो है ना व्हाट्सएप पे सेंड भी कर देता हूँ, ये वाला सोल्यूशन सेंड कर देता हूँ, ताकि आप साथ देखते भी रहें। यार ये थ्योरी में आई है, अल्लाह सर। एफ एस स्टैंड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, वो एफ एस के, यानी होती है ना म्यू एस एन होता है यार, फार्मूला माशाल्लाह जानते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं यार सारी चीज़ें। एफ एस स्टैटिक्स पढ़ी है ना आपने, तो उसके अंदर ये देखें कि जी ये आपको मैंने प्रॉब्लम सेंड कर दी है, अपना प्रॉब्लम की लिस्ट सेंड कर दी है आपके ग्रुप में, तो वहां से भी आप जो इसको देख कर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताओ शाबाश। चलें जी, ये वाला पार्ट हो गया, हम इसको जो है ना वो रीस्टार्ट करते हैं। और सर ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिपीट कर दे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, हाँ अच्छा कनेटिक वाली बात कर रहा होगा, कनेटिक वाली। चले मैं इंशाल्लाह ये रीस्टार्ट इसको मैं मीटिंग को एक दफा एंड भी कर लूँ, सही है, तो फिर जो है वो मैं करता हूँ। जी सर वही कनेटिक वाली, कनेटिक वाली देखो असल में है उसी तरह, आपने